जैसे कि आपको पता है कि कुछ दिन पहले मरहूम ख़बरुस्म के भांजे को पुलिस के द्वारा मारा गया था फिर आ, कुछ दिन दो या तीन दिन पहले एक ड्राइवर को मारा गया उसके ऊपर कांग्रेस के कार्यकर्ता बयान देते हैं फिर भी उनके बयान पर जेसी उसको किया जाता है लेकिन इसके ऊपर प्रोटेस्ट ना कोई लीडर का बयान आता है तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे क्या आ, यहाँ पे लीडर ही इम्पॉर्टेंट है जनता इम्पॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे लीडर इंपॉर्टेंट जैसे कि कांग्रेस के लीडर मरहूम खमरूसलम साहब के भांजे को मारने पर यह अभी तय नहीं हुआ है कि उन्होंने उन्हें पुलिस मारी है या कोई और लोग मारे हैं इसको अभी ये कंफर्म नहीं है कांग्रेस के लीडर तो क्लियर बता रहे हैं कांग्रेस के लीडर क्लियर बता रहे हैं यही तो आपसे कह रहा हूँ मैं ना ये कन्फर्म है कि कांग्रेस के लीडरों ने लीडर को पुलिस ने मारा है या आम पब्लिक ने मारा है ये वजूहत अभी क्लियर नहीं हुए हैं उसमें कई बार उन्होंने बसवराज पीएसआई साहब कर कहकर कई बार नाम लिया है ए वो जब तो कमिश्नर कह रहे थे वो आप बसवराज साहब बसवराज पीएसआई के बारे में कह रहे हैं वो कमिश्नर साहब के बारे में कह रहे थे आदिल सुलेमान को जो मारा गया था वो वजुहत क्या थी ये एक इंक्वायरी का विषय है लेकिन खुशी की ये बात थी कि तमाम कांग्रेस पार्टी के लीडर जिसमें शन प्रकाश पाटिल हुए वो तमाम लीडर कायदीन कॉर्पोरेटर्स उनके साथ जाकर मेमोरेंडम दिए थे आज अफसोस इस बात की है कि एक नौजवान ड्राइवर को बिला वजह रात में उसकी गाड़ी एम थी गाड़ी में कुछ नहीं था उसे रोक कर उससे बदतमीज़ी की गई फिर उसको वलगलाया गया वो कहने लगा कि आपके गाड़ी पे पुलिस लिखा हुआ नहीं है आपके ड्राइवर जब पूछने आया वो वो वर्दी में नहीं है उसके साथ तू हमसे पूछा कैसा ये हमारा बुनियादी हक है किसी भी हिंदुस्तानी का डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है कि ये तेरा बुनियादी हक है जब कोई अपने आप को पुलिस कहे उसका आईडी कार्ड पूछकर अपने बारे में बताए आधी रात को जब आप राउंडिंग पे थे तो रुक उतर कर पी एस आई जाकर पूछ सकते थे एक सिविल ड्रेस में आदमी जाकर उसे रोकता है पूछता है ठीक है इतने सब के बाद उसे एम बी नगर पुलिस स्टेशन को ले जाकर बेतहाशा मार देते हैं मारने के बाद में सबसे अफसोस की बात यह है कि गुलबरगा डिस्ट्रिक्ट के माइनर डिस्ट्रिक्ट के, डिस्ट्रिक के वाइस प्रेसिडेंट फोन करते हैं कमिश्नर को उससे पहले फ़ोन करते हैं ख़मर साहब के भतीजे को वो ये कहते हैं कि मेरा फ़ोन नहीं लग रहा है जबकि इनका फ़ोन एक ही डाइल में लगता है और दो रिंग में उठा लिए कमिश्नर साहब उनके कहने पे उस आदमी की जो पिटाई हो रही थी वो रुक गई लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ गुलबर्गे के वो तमाम लोगों से जिन्होंने पिछले दिनों साठ हज़ार से ज़्यादा वोट दिया था कांग्रेस को कहाँ है पूरी कांग्रेस पार्टी एक नौजवान को मारा गया एक नौजवान को जुल्म करने के बाद में थ्री फिफ्टी थ्री जैसा एक्ट लगाकर उसे जेल भेजा गया एक मासूम आदमी ड्राइवर जो आज की गिरानी में मेहनत कर कर अपने बीवी बच्चों का पेट पाल रहा है ऐसे वक्त कहाँ गए वो जो लोग गांजा बेच रहे थे बड़े बड़े आज हमारी नस्लों को बर्बाद करने के लिए हर जगह गांजा बिकता है क्यों नहीं आ रहा आपके दिल में ख्याल कांग्रेस पार्टी चरण प्रकाश साहब प्रियंक साहब तमाम लीडर मोहतरमा कनीसमा साहबा ये भी मुसलमान ही था जिसे मारा गया है आइए मुस्लिम चौक पे यहाँ से आप इसी तरह का जुलूस निकालिए और वो तमाम आपके नए कायदीन को ले आइए जो हमेशा कौम और मिल्लत की बात क्या करते उन्हें बताइए ये, ये मुसलमान ही था वो बेचारे लारी वाले बहुत मेहनत कर कर डीजल का रेट बढ़ गया किराए कम हो गए वो लोगों की परेशानियां वो लोग अपने गाड़ी का कंत नहीं भर सकते फाइनेंसों में वो लोग आज परेशान हैं आइए मोहतरमा यहाँ आज आप बताना चाहिए आओ वो कांग्रेस पार्टी के लीडर हो आज आओ मुसलमान मुस्लिम चौक पे एक मुसलमान को एक माइनॉरिटी को एक मासूम को मारा है आज कोई नहीं आएगा क्योंकि एक आम इंसान है यही आम इंसान तुम्हें ओढ़ देता है तुम्हें आज सोचना चाहिए गुलबर्ग वालों देखो वो लारी एसोसिएशन वाले जाकर मिन्नतें कर रहे हैं अपने हक के लिए वो लड़ाइयाँ कर रहे हैं उसमें भी कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं जिन्होंने कार्यकर्ता नहीं उन्होंने माइनॉरिटी उन्होंने डिस्ट्रिक्ट के वाइस चेयरमैन है वाइस प्रेसिडेंट है वो कार्य करता नहीं है तो आज है क्या कांग्रेस पार्टी गायब हो जाए अरे अफसोस की बात यही है मैं यही बताना चाह रहा हूँ गुलबर्गे के नाम निहाल कायदीन आओ आकर आज आपको ने वक्त है आप जो है ना फौरी उस नौजवान के लिए बड़े स्ट्राइक करो पहले करते थे ना बड़े बड़े स्ट्राइक आज क्यों नहीं कर रहे क्या ये आदमी के जिसम में खून नहीं क्या ये आदमी आपको इंसान नजर नहीं, नहीं आता क्या ये हिंदुस्तानी नहीं है क्या इसके पास वोटर आईडी नहीं है क्या है ये डोगली चरित्र है डोगला चरित्र किसका डोगला है ये कांग्रेस पार्टी का कांग्रेस पार्टी के लीडरों का उसमें से एक तो कार्यकर्ता ने तो आवाज उठाई वो भी वो तो उनके वाइस प्रेसिडेंट है वहां के भी जी उन्होंने यहाँ के भी वाइस प्रेसिडेंट है वहाँ के भी दो बजे रात को उठ के जाके अपने आदमी को ज्यादा मारने से तो रोक दिए बाकी जो दूसरे पार्टीज हैं पॉलिटिकल पार्टीज वो चीज ये चीज के, के पॉलिटिकल सिनारो बना मजे उसके लिए आवाज उठाने के इन्होंने अपने लिए जो काम किया था इकतेदार में कौन है कौन इकतेदार में बीजेपी और अपोजिशन कौन है गुलबर्गे में दूसरे कांग्रेस पार्टीज भी है उनका क्या रोल है बाकी के जो पार्टीज है उनका क्या रोल है कम से कम आवाज तो उठा आवाज अब आपके सामने हम उठा रहे नहीं आवाज आप उठा रहे हैं अरे हम वो उनको आप सबसे पहले ये बोलो हमने तो आवाज नहीं उठाई थी आदिल सुलेमान के लिए हमने तो आवाज नहीं उठाई थी आदिल सुलेमान के लिए कांग्रेस ने जिस तरह की आवाज उठाई थी वही चाहिए थे आज वही चाहिए थे हम समझते ये बराबर का हक दे रहे हैं बराबर का हक दे रहे हैं यानी कि जनता को अलग निगाह से देखा जाए बिल्कुल चरित्र बोल क्या रहा हूँ मैं ये दोहरा चरित्र है इनका अब वो आप लोगों की जानब से क्या इसके लिए किया जाएगा जो पीएसआई का ये रोल रहा है नहीं, नहीं हमने रहा। तो कमिश्नर साहब के पास जाकर ये बात बताई है कि आगे इसका परफेक्ट इन्वेस्टिगेशन होना और सबसे पहले एफआईआर होना एफ होना होना क्योंकि अगर आज एक एम गाड़ी वाले पे यह जुल्म होता है तो कल एक दूसरी जगह का आया हुआ गाड़ी भरकर सीमेंट लेकर जाता है या आजू बाजू तमाम सीमेंट फैक्ट्री है यहाँ दाल मिलें हैं इनका कौन जिम्मेदार है एक अहम सवाल इसके बीच में, में मेरा आपसे है कि क्या ये एक बात अफसोस की नहीं है क्या वो जब माइनॉरिटी के वाइस प्रेसिडेंट हैं तो कांग्रेस पार्टी को तो रोड पे आना चाहिए था जब उनके कार्यकर्ता इस मामले को लेकर सामने आए तो अपने कार्यकर्ता को कहीं ना कहीं वो इग्नोर यानी कि नज़रअंदाज़ कर रहे हैं आप फिर दौड़कर कर वहीं पहुँच गए मैं जहाँ से निकला था मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ यहाँ पर वो उस मासूम का साथ दें उन अपने वाइस चेयरमैन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं वाइस चेयरमैन ने आवाज़ उठा दी दो बजे रात को अपने घर से उठकर नींद से बेदार होकर पुलिस स्टेशन गया दूसरे दिन कमिश्नर के पास गए डीसीपी से तो मिले कांग्रेस पार्टी क्या अपने वर्कर का ही साथ नहीं अजी कांग्रेस पार्टी तो बेंगलुरु में जलील हो रही है जलील हो रही है बेंगलुरु में जहां इनके हाँ पार्टी में पार्टी। कांग्रेस पार्टी में जो लोग यहाँ गए हैं उन्हें पार्टी ऑफिस से बाहर निकालने के धमकियां दे रहा है डी के शिव कुमार इनका पार्टी प्रेसिडेंट के पी सी सी जो है वो धमकियां दे रहा है ये मुसलमानों की हालत है वहाँ पे पार्टी से बाहर निकाल हूँ बोल रहे यहाँ पुलिस मार रही है यहाँ गुलबर्गे में फिर बोल रहे मुसलमानों को चाप हम ही चाह के हमदर्द है वोट रहे बुरे ऐम समझ जाओ अब एक मुसा ऐसे कई लोग मर गए जिन्हें मारा गया है वो मर गए बिला वजह के पुलिस स्टेशनों में लेके जाके ये तासुबियत क्यों है ये तासुबियत इसलिए है कि एक मर्द का होना गुलबर्गे को ज़रूरी है एक मर्द का होना ज़रूरी है और तुमसे नहीं मैं इस कौम से वादा करता हूँ कि हम एक प्लान कर रहे हैं बहुत जल्दी हमने डी जी को मेल कर दिया है तमाम चीज़ें कर दिए हैं इनशाला होम मिनिस्टर को मेल कर दिया है आने वाले दिनों में हम एहतजाज करेंगे मैंने लारी वालों से भी कहा है कि आप इकट्ठा होकर आइए इन शह मैं आपके आगे रह के मैं स्ट्राइक करूँगा और मैंने वादा किया इन श्ला ये पूरा करूँगा ये आपके एक सवाल इस जवाब पर एक रोशनी डालना चाहूँगा कहीं ना कहीं आप ये कहना चाहेंगे कांग्रेस की जो लीडरशिप है वो ख़त्म हो चुकी है और वो अपने ही मुद्दों पर बात करेगी अपने फ़ायदे के मुद्दों पर हाई नहीं आपकी बात को मुकम्मिल एक ही अल्फाज में गुलबर्गे में कांग्रेस पार्टी है ही नहीं सिर्फ कमीशन के बेसिस पे है अगर रोड बन रही है कमीशन कॉरपोरेशन में नए नए गाड़ियां कचरा उठाने खरीदे काम कमीशन अगर यहाँ पे कई नालियाँ बन रही हैं कहीं कहीं स्कूल का फंड आया है जो आया है उस पर कमीशन पे है और वो तमाम मैं चाहता हूँ कि इन सत्ताईस मेरे भाई जो कारपोरेटर जीते हैं अल्लाह उन्हें हिम्मत दे वो अपनी लड़ाई लड़कर इस शहर को महफूज और शहर की हिफाजत वो सत्ताईस का रहता बेहतर है उनके पीछे कोई नहीं है ये इस्लाम साहब मरहूम वो थे तो पुलिस स्टेशनों में ये जुल्म नहीं होता क्यों इस्लाम साहब कमीशन की ज़िंदगी नहीं जीते वो पुलिस स्टेशन में ऐसा रखते कि कौम हिफाजत से सोना पुलिस हिफाजत करती और कौम सुकून से सोती आज सबसे बड़ी परेशानी कौम को है अरे आप अपने घर का बच्चा मार खाया आप रोड पे आ गए कई दिन अखबारों की अखबारों की और टीवी की जीनत बने आज क्या हुआ कौम का बच्चा नहीं है ये आपका घर का बच्चे और कौम के बच्चे में फ़र्क है जी और एक मेरा आपसे सवाल है कि ऐसे वक्त में कांग्रेस के लीडर्स या इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव यानी कि हालांकि जैसा आपने कहा कि महतरमा कनीस फातिमा भी इस काम में कहीं ना कहीं आ, फेलियर है तो आ, मैं ये कहना चाहूँगा कि महज जनाब इम्तियाज़ सिद्दीकी साहब तो ऐसे कामों में रहते हैं क्या अब ये ऐसे इशूज़ अगर यहाँ के रिप्रजेंट रे, रे, जो अपने आप को ऐसे कामों में प्रजेंट नहीं करते हैं तो ऐसे वक्त में क्या आप उनका साथ देंगे मैं तो खुले अल्फाज बोल रहा हूँ इस कौम से आप अब फैसला करना पड़ेगा याद रखो फैसले के लिए तो अभी बहुत कम वक्त है लेकिन जब तक ऐसे हालात होते हैं तो क्या उनके साथ हम साथ मैं साथ हूँ उनके मेरी टीम साथ है उनके मेरे तमाम अजीज अखराब साथ है उनके वो जो लोग आज जुल्म सह रहे हैं उनके आगे हम खड़े रहेंगे इनशाला और इस मुद्दे को लेकर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज और ऑर्गेनाइजेशन को क्या कहना चाहेंगे मैं वो तमाम ऑर्गेनाइजेशन को भी कहना चाहूंगा कि पार्टी पॉलिटिकल पार्टी तो सब देख रही है ऑर्गेनाइजेशन जिन्हें नहीं पता है उन्हें कहना चाहूँगा कि वो रोड पे आए वो रोड पे आए ऐसे मज़लूम की मदद करें ताकि कल आपके घर में कल आपके पास ये मसला ना हो आपके घर में किसी पे जुल्म ना हो